एपिसोड 7 की शुरुआत में हम मेसर नाम के एक किसान को देखते हैं जिसकी एक अनाज की फैक्ट्री होती है। उसके अनाज की फैक्ट्री में बहुत सारे चूहे होते हैं जो कि उस अनाज को बेकार करके उससे बर्बाद कर रहे होते हैं, जिसके कारण मेसर काफी परेशान हो जाता है और अब वो उन चूहों को मारने के लिए डिसाइड करता है और फिर उस फैक्ट्री के अंदर चले जाता है, जिससे कि एक वो चूहे को मार भी देता है। और तब वो देखता है कि ये चूहा तो बाकी चूहों से बहुत अलग है, लेकिन तभी वहां पे बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और मेसर पर हमला कर देते हैं, जिसके डर के मारे मेसर फैक्ट्री से बाहर आ जाता है। और फिर मेसर चूहों को मारने वाली कंपनी को कॉल करता है, जहाँ पे कंपनी का मालिक मेसर को बताता है कि इंसानों ने पूरे वातावरण को खराब कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ के चूहे बागी बन गए। और फिर जहाँ पे कंपनी का मालिक मेसर को एक चूहे को मारने के लिए एक लेजर देता है और वो लेजर फैक्ट्री के चारों ओर लगाए जाते हैं, और जैसे ही वो उन लेजर को स्टार्ट किया जाता है, सबसे पहले वो मेसर की बिल्ली को ही मार डालते हैं और फिर वो लेजर चूहे को मारने लगता है। लेकिन चूहे बहुत ही चालाक होते हैं और उन सारे लेजर को एक एक करके सबको खराब कर देते हैं। इसके बाद मेसर कंपनी को फिर दोबारा कॉल करता है और तब कंपनी का मालिक मेसर को बताता है कि वो कोई आम चूहे नहीं है बल्कि बहुत ही शातिर चूहे हैं। और फिर कंपनी का मालिक मेसर को एक बिच्छू रोबोट देता है और वो रोबोट चूहों को मार मार के एक जगह इकट्ठा कर देता है, लेकिन चूहे फिर भी बाहर नहीं आते हैं और उस रोबोट से फाइट करते हैं। और तभी मेसर खुद ही उस रोबोट को गोली मार के उसे मार डालता है और उन चूहों से मेसर कहता है कि अब मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए। तभी यहाँ पर एक चूहा मेसर को ड्रिंक पीने के लिए देता है और अब मेसर और चूहों के बीच में दोस्ती हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।